वाराणसी के सोनबरसा इलाके के दुकानदारों को खुद को फूड इंस्पेक्टर बताकर सैंपलिंग के नाम पर अवैध वसूली एक शख्स को महंगी पड़ गई। शंका होने पर व्यापारियों ने उसे पकड़कर शुक्रवार को चौबेपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया। गिरफ्त में आए फर्जी फूड इंस्पेक्टर के एक साथी की भी पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए फर्जी फूड इंस्पेक्टर की शिनाख्त छित्तमपुर सित्तौड़ निवासी संजय यादव के तौर पर हुई है। वहीं उसका दोस्त सारनाथ निवासी नित्यानंद तिवारी है। व्यापारियों की तहरीर के आधार पर चौबेपुर थाने की पुलिस ने दोनों जलसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौबेपुर थाने पहुंचे खास सुरक्षा अधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि संजय और नित्यानंद फर्जी फूड इंस्पेक्टर हैं। इनका हमारे विभाग से कोई सरोकार नहीं है। व्यापारियों ने हमें बताया कि दोनों उनसे पैसे लेकर उन्हें रसीद भी देते थे। हमारे विभाग की ओर से रसीद वगैरह देने की कोई व्यवस्था नहीं है। सैंपलिंग का किसी व्यापारी से पैसा नहीं लिया जाता है। व्यापारियों की तहरीर के आधार पर चौबेपुर थाने की पुलिस दोनों जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ली है। दोनों आरोपियों को पुलिस अदालत में पेश कर जेल भेजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।